Assalamu alaikum, dear candidates. Junior Patrol Officer ke paper ke paper number 26 ke saath aapki khidmat mein hazir hoon. Paper number 26 mein hamare paas fail MCQs hai. The author of the case of Pakistan is the case of Pakistan. Ye kisne likhi hai? Rafiq Afzal ne likhi hai. Pehla option theek hai. Dusra sawal hai antonym of senile. Senile ke maani purani ya zayeef ki hai, kamzor ke hai. सीनाइल का उलट वर्ड अलर्ट बनेगा. अलर्ट के माने चुस्त या फुर्तीले के है. तो इसी ऑप्शन ठीक है. तीसरा सवाल है हमारे पास, व्हाट इज सेड टू थ्रो स्टोन इट थ्री स्पॉट. थ्री स्पॉट में कंकरिया फेंकने को रमी जमारात कहा जाता है. बी ऑप्शन ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान ऑफ दिल्ली वो इज रिप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल इन इंडिया. बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल हिंदुस्तान में फेरोज शाह तगलक ने बनाई थी. बी ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर पाँच है, व्हाट टू रीड व्हाइल एंटरिंग हरम शरीफ ड्यूरिंग हज इन अहराम. अहराम में हज के मौका पर हरम शरीफ में दाखिल होने के वक्त क्या पढ़ी जाती है? तलबिया. ए ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन फॉर्म बाय सर सैद अहमद खान. इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 को बनाई थी सर सैद अहमद खान ने. 1888 को. सी ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर सात है, द सिनोनिम ऑफ अब्सटिनेट. अब्सटिनेट के मानी जदी सरकश के है. इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड स्टबर्न बनेगा. स्टबर्न के मानी भी जदी सरकश के है. सवाल नंबर आठ है, हाउ मेनी मॉस्क्स आर डिस्कस्ड इन होली कुरान. कुरान मजीद में पाँच मस्जिदों का जिक्र है. मस्जिद हरम, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा और मस्जिद जर्रार. कुरान मजीद में पांच मस्जिदों का जिक्र है. डी ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर नौ है, पेम्पलेट नाउ और नेवर इज रिटन बाय चौधरी रहमत अली इन विच यूनिवर्सिटी. चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया था और इसने नाउ और नेवर ये पेम्पलेट लिखी थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. सी ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर दस है, विच मास्क वॉज बिल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन इस्लाम. यहाँ पर दो सवाल याद कर लीजिए. ज़मीन पर सबसे पहला मस्जिद जो है वो मस्जिद हरम है और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बनाई वो मस्जिद कुबा है. कुबा मास्क. बी ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर ग्यारह है, अनम इज़ द स्मार्टेस्ट देश गर्ल्स. यहाँ पर क्या लगेगा? चार ऑप्शन है. तो यहाँ पर स्मार्टेस्ट है दोस्तों तो अफाल लगेगा. सी ऑप्शन देखिए, अनम इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स. सी ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर बारह है, दिवसाई नेशनल पार्क इज़ इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान. दिवसाई नेशनल पार्क गिलगित बल्तिस्तान में है. सवाल नंबर तेरह है, एनालॉजी का है. आप दोस्तों के पेपर में एनालॉजी की भी दो तीन सवाल पूछे जाएंगे. है स्नैक कौन सा एनालॉजी यहाँ पर बेस्ट एनालॉजी बनेगा? तो इसी क्वेश्चन को इसी तरह हल करेंगे आप दोस्त. हेस हिस इज अ साउंड प्रोड्यूस बाई अ स्नैक. स्नैक की आवाज़ को, स्नैक के साउंड को हिस कहा जाता है. सिमिलरली हाथी के साउंड को दोस्तों ट्रम्पेट कहा जाता है. तो सी ऑप्शन देखिए, ट्रम्पेट एलिफेंट. सी ऑप्शन ठीक है. ऑप्शन डी भी कैट म्यू लिखा है. ये इस वजह से गलत है कि पहले कैट जो लिखा गया है ऊपर स्नैक में जो है स्नैक का साउंड पहले लिखा है. तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये मौजू नहीं है. सवाल नंबर चौदह है, व्हाट इज़ मीन बाई यौमुन नहर. यौमुन नहर कुर्बानी वाली दिन को कहा जाता है. दस ज़िलहज्जा को और शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है और कुर्बानी की जाती है. पहला ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर पंद्रह है, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड टू वन एन अदर. यहाँ पर टू लगेगा. ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड टू वन एन अदर. सी ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर सोलह है, सिटी ऑफ परफ्यूम्स. यहाँ पर दो सवाल याद कर लीजिए. परफ्यूम का शहर हैदराबाद को कहा जाता है. हैदराबाद को पाकिस्तान का फेरस भी कहा जाता है. तो सिटी ऑफ परफ्यूम्स हैदराबाद को कहा जाता है और सिटी ऑफ फ्लावर पेशावर को कहा जाता है. ऑप्शन सी में क्वेटा लिखा है. एक पेपर में सवाल आया हुआ था कि द ओल्ड नेम ऑफ क्वेटा, क्वेटा का पुराना नाम शलकोट था. ऑप्शन डी भी याद कर लीजिए, लाहौर का पुराना नाम महमूदपुर था, गुजरानवाला का पुराना नाम खानपुर था और फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था. अगर हैदराबाद के बारे में पूछा जाए तो हैदराबाद का पुराना नाम नीरनकोट था. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सवाल नंबर सत्रह है, इब्नुल वक्त वाज रिटन बाय इब्नुल वक्त. डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखी है. सवाल नंबर अठारह है, माई सिस्टर इज़ बैड डैश मैथ्स. या फिर माई सिस्टर इज़ बैड इन मैथ्स. इन मैथ्स गलत है. वेद मैथ
ये भी गलत है, एट लगेगा. माई सिस्टर इज वेयर इट मैच, सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 19 है, द बुक आवर फ्रीडम फाइटर इज रिटन बाय. आवर फ्रीडम फाइटर किताब जी अलाना ने लिखी है, जी अलाना. सवाल नंबर 20 है, आई एम वेरी मच डिश टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, थर्ड फॉर्म लगेगा डिलाइटेड. डी ऑप्शन देखिए, आई एम वेरी मच डिलाइटेड टू मीट यू, डी ऑप्शन ठीक है, बाकी गलत है. सवाल नंबर 21 है, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली. मजिस्ट्रेट का करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए है, एम ए जी आई एस टी आर ए टी ई, मजिस्ट्रेट पहला ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर 22 है, लेक विच इज़ लोकेटेड एट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज. पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर कौन सा लेक वाक़ है, वो शकुर लेक है, शकुर लेक आखिरी ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर 23 है, नेम द टाइप ऑफ तौहीद, तौहीद के टाइप ए बी सी. तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव. सवाल नंबर 24 है, स्ट्रांग सेंस ऑफ लव फॉर अ प्लेस इज कॉल्ड, किसी जगह से बेहद मोहब्बत करना उसे क्या कहा जाता है, ट्रोपोफेलिया कहा जाता है, आखिरी ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर 25 है, द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रीच द नॉर्थ पोल. यहाँ पर दो तीन सवाल याद कर लीजिए, पहले पाकिस्तानी जो कि नॉर्थ पोल गई थी वो नेमरा सलीम है, सी ऑप्शन ठीक है. इसके अलावा माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी नज़ीर साबिर है, और के टू सर करने वाली पहली पाकिस्तानी अशरफ अमान है. सवाल नंबर 26 है, शी इनवाइटेड ऑल एंड संडे टू द पार्टी. ऑल एंड संडे का क्या मतलब है, उसने पार्टी में सबको बुलाया, एवरीवन. ऑल एंड संडे का मतलब है एवरीवन. सवाल नंबर 27 है, द तौरात वाज रिवील्ड, तौरात नाजिल हुई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर. सवाल नंबर 28 है, हाउ मेनी द मोस्ट एग्जाल्टेड एंजल्स आर दियर, मुकर्रर फरिश्ते चार है, डी ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर 29 है, मिस्टर जमाल आस्क हिम अ क्वेश्चन, इसका फीस वाइस क्या बनेगा, मिस्टर जमाल आस्क हिम अ क्वेश्चन, सी ऑप्शन देखिए, ही वॉज आस्क अ क्वेश्चन बाई मिस्टर जमाल, सी ऑप्शन ठीक है. सवाल नंबर 30 है, वो गेव टाइटल ऑफ सर टू डॉक्टर अलामा इकबाल इन 1922. अलामा इकबाल को सर का खिताब 1922 में बरतानवी किंग जॉर्ज पंजम ने दिया था, बरतानवी किंग जॉर्ज वी ने, बी ऑप्शन ठीक है. अलामा इकबाल के बारे में भी आप दोस्तों के पेपर में सवाल आ सकता है कि अलामा इकबाल कब पैदा हुआ, 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुआ था. अलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुआ था. ये भी याद कर लीजिए कि अलामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफात पा गए थे. तो व्यूअर्स, ये रहे जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के पेपर नंबर 26 के इंतहाई अहम सवाल जो कि किसी भी पेपर में आ सकते हैं. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.